इस क्वेश्चन के अंदर दो मिरर्स हैं, ये और ये। रे डायग्राम तो आप भूल ही जाओ ना कि वो आपको देने वाला है, फिर तो सारी कहानी समझ में आई जाएगी आपको, बिल्कुल भी नहीं देगा वो आपको। सिर्फ दो मिरर देगा, एक मिरर ये देगा और दूसरा मिरर ये देगा, एक मिरर ये देगा दूसरा मिरर ये देगा, ऐसे। और आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, बस ये डायग्राम है इसका। और सच बताऊं तो तुम्हें शायद इसका रे डायग्राम बनाना भी नहीं होता, तुम्हें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तुम्हें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है और ये एक कन्वेक्स मिरर है, दोनों आमने सामने पड़े हुए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की रे किसे हिट करेगी, कनकेव पे कि कन्वेक्स पे, या कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। कनकेव पे करेगा क्योंकि डायग्राम में कनकेव है, कन्वेक्स नहीं हो सकता, हो सकता है तो दोनों भी हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और उसने मेंशन किया, दोनों मत लेना, उसने कहा फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट द कनकेव। तो तुम उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर, कैसे भी करो। उसने कहा कि दोनों मत लेना, एक्चुअल में दोनों इकट्ठे हैं। तो उसने क्या कहा, पहले किस पे हिट करवानी है, कनकेव पे, तो कनकेव पे हिट करवाओ, राइट। और तुम्हें क्या लगता है, वो कहेगा हिट करो, तुम जाके रे डायग्राम बनाना शुरू कर दोगे, कुछ तुम बना ही नहीं, मैं भी नहीं बना पाऊंगा, तुम्हें न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है, ये तो कहने की बात है। एक्चुअल में एक और चीज गिवन है, दोनों मिरर्स में डिस्टेंस भी गिवन है, कितना 50, और तुम्हें ये पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 25। तो करें स्टार्ट। इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको गिवन है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट है, कनकेव मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट पता है 25 पे, ऑब्जेक्ट माइनस 25 होगा, ऑब्जेक्ट यू इज नेगेटिव, यू नेगेटिव है, एफ पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, वी, सबसे पहले क्या निकलेगा, वी, ये लो। तो यू नेगेटिव है, माइनस 25 है, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस 20 है, सॉल्व करके क्या आएगा, वी। इमेज कहां पर बन रही है, 100 सेंटीमीटर लेफ्ट पे, यानी कि जो इमेज बन रही है वो यहां से 100 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब उसमें से ये कितने, 50 है, ये 100 में से ये कितने है, ये 50 है, तो फिर ये कितने है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो इस मिरर के लिए ये इमेज क्या मानी जाएगी, ऑब्जेक्ट। जो इसने इमेज बनाई वो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। हाँ, वैसे समझने के लिए रे डायग्राम बनाया, पर आपको चाहिए नहीं है, आपको ये पता लग गया कि आपकी इमेज यहाँ कहीं बनने वाली है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव है, तो यानी कि ऑन द सेम साइड है, ऑन द सेम साइड मिरर में इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। तो कायदे से इमेज ऐसे बनेगी, एक रे जाएगी फोकस में से पास करती हुई इधर, एक नॉर्मल में से इधर, और जहाँ ये मिलेगी इमेज है। समझाने के लिए, पर आपको ड्रॉ नहीं करना, बस आप इतना ही ड्रॉ कर लें, एक ये ड्रॉ कर लें, अंदाजे से ये भी ड्रॉ कर लें, और यहां से ये डिस्टेंस निकालने कितना है, 50 है। अब कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 50 है। कोई मुझे बताएगा कि इस मिरर के लिए यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अच्छा, नेगेटिव हो सकता है इसका, यू नेगेटिव हो सकता, नेगेटिव हो सकता है इस डायग्राम में। मुझे ये बताओ, क्या रिफ्लेक्शन मिरर के पीछे से होती है, नहीं होती, चमकता हुआ हिस्सा तो ये है ना, तो यानी कि रेज तो इस तरफ ही हिट करेंगी इसे, और अगर इधर हिट करेंगी तो इधर की डायरेक्शंस पॉजिटिव होंगी, और हम डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, इधर की ही डिस्टेंस की वैल्यू की बात हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव ही है भाई, चमकते हुए तरफ ही ज़्यादा हिट करेगी ना, पीछे से थोड़ा हिट करेगी, अगर ये हिस्सा चमक रहा है तो यहीं हिट होगा, तो ये पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस इधर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ वैसे भी यार ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो U क्या है, प्लस 50 है, फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है, तो अब कन्वेक्स के लिए U प्लस 50 है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज निकाल देना 21.43 पे है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है यहीं कहीं बनेगी, ये 50 है, ये 21 पॉइंट समथिंग है। और क्योंकि V पॉजिटिव है, U पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज सीधी बनेगी, देख रहे, और इमेज जो है वो सीधी बनेगी, पॉजिटिव ऊपर की तरफ बनेगी।
तो आपको रे डायग्राम तो नहीं बनाना, पर आपको फाइनल इमेज बतानी है कहाँ बनेगी, वो 21 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस बनेगी। रूल वही है लेंस वाला, पहले तुम इसके लिए सॉल्व करोगे, यू लोगे, वी निकालोगे, ये मिरर क्या करेगा उसकी इमेज को ऑब्जेक्ट मान के फिर नई इमेज बनाएगा। रूल वही है लेंस के लिए भी और मिरर के लिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, देखो इसमें अ कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ कंटेनर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है, कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है 33.25 तक भरा हुआ है, कनकेव मिरर इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल, ये कनकेव मिरर भरा हुआ है, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है बॉटम पे उसकी इमेज यहाँ नजर आ रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25, ऑब्जेक्ट कहां पर है 33.25, इमेज कहां पर है 25, आपको क्या निकालना है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है कनकेव मिरर की क्या होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर तुम कनकेव मिरर होते, तुम्हारी आंख कनकेव मिरर की बनी होती और तुम देखते और मैं तुमसे ये पूछता कि ये ऑब्जेक्ट तुम्हें कहां नजर आ रहा है, तो तुम कभी ना बोलते 15 + 33.25, तुम क्या बोलते 15 + 33.25 डिवाइडेड बाय म्यू, क्योंकि पानी के अंदर किसी चीज को देखा जा रहा है वो डिवाइड बाय म्यू करना पड़ेगा। तो अगर ये पोल है, इस पोल से ये दूरी क्या बनेगी 15 + 33.25 डिवाइडेड बाय म्यू, और ये इमेज 25 सेंटीमीटर पे है, अगर ये मिरर इस 25 को देखे तो नहीं दिखेगा 25 पे, 15 + 25 बाय म्यू पे दिखेगा। तो ये डिस्टेंसेस आपको एक्चुअल नहीं दिखने वाले, बाय म्यू करके देखने वाले हैं, नहीं हवा वाले को नहीं करना, 15 अलग और 25 बाय म्यू, ये देखो। इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में 15 + 33.25 बाय म्यू और इमेज का डिस्टेंस 15 + 25 बाय म्यू। अब यू पता है, वी पता है, मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, एफ निकाल लेना आंसर, बस तुम्हें यू और वी चाहिए था, यू और वी निकल के आंसर आ गया। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। ये हमने कर लिया था मोटर कार वाला, वो कैलकुलस से करता, मैंने बताया था आपको जॉगर वाला क्वेश्चन सेम, एक बार ये भी मतलब घर जाके कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है यार जॉगर जोगर वाला क्वेश्चन ना, ये भी हमने क्लास में हैंड रिटन में कर लिया था, अभी आपने ये वाला करना है, ये वाला उस सामने पूरा इसको करना है आपने। फेस ऑफ अ ग्लास क्यूब ऑफ साइड 0.06 मीटर इज सिल्वर्ड, सिल्वर करने का मतलब ये अब मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिल्वर कर दिया हमने,
और ये फेस कितना है, 0.06 क्यूब की साइड है, ग्लास का बना हुआ था। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.07 मीटर, 7 मीटर फ्रॉम द फेस ऑपोजिट टू द सिल्वर फेस। सिल्वर फेस के ऑपोजिट ये फेस है, इससे 0.07 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, बना दिया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया। आगे, लुकिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट साइड, मैं ऑब्जेक्ट के साइड से देखना चाहता हूं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी 0.11 मीटर बिहाइंड द सिल्वर फेस। तो किसी ने कहा सर जो सिल्वर फेस है ना, क्योंकि मिरर है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज है, तो इमेज कहाँ बनेगी, राइट पे बनेगी। तो किसी ने कहा इमेज जो बनेगी वो सिल्वर फेस से 0.11 मीटर दूर बनेगी। अब मैं कंफ्यूज हो गया, कैसे, क्योंकि जो बंदा यहाँ देख रहा है उसको सिल्वर फेस यहाँ नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, उसको यहाँ नज़र आएगा। तो वो जो अपना आंसर दे रहा है ना, उसको अपीयर हो रहा है, अपीयर का मतलब उसको ये लग रहा है कि सिल्वर फेस ये है और इस सिल्वर फेस से ये दूरी कितनी है, 0.11। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस सिल्वर फेस से ये डिस्टेंस कितनी है, 0.11। कोई डाउट है इसमें? यहाँ से मत लेना, यहाँ से लेना, क्योंकि ऑब्जर्वर देख रहा है और उसको अपीयर हो रहा है, उसको लग रहा है, तो वो सही तो लगेगा नहीं, वो गलत ही लगेगा। सही है, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है ग्लास का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, फिर से ये ऑब्जेक्ट है 0.07, साइड 0.06 है, इसने कहा कि मेरे को जो इमेज दिख रही है वो 0.11 मीटर पे अपीयर हो रही है फ्रॉम सिल्वर साइड। अब सिल्वर साइड तो ये भी हो सकती है, पर इस ऑब्जर्वर को सिल्वर साइड यहां दिखेगी, तो वो अपना डिस्टेंस यहां से 0.11 देगा, यहां से मत बनाना। ये आपने प्रैक्टिस से सीख के जा रहे हो कि ऑब्जर्वर अगर देख रहा है सही नहीं देख पाएगा, उसको यहां दिखेगा और ऐसा दिखेगा, यही तो प्रैक्टिस है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वहां क्या गिवन होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, उसकी मर्जी है क्या देगा, पर मैं आपको तरीका बताता हूं सोचना कैसे है। कुछ नहीं करना आपको, म्यू निकालना है, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ आंसर आ जाएगा, और इसमें से रियल डेप्थ आपको पता है कितनी, 0.06। बस आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालना आसान है, मान लो डिस्टेंस एक्स है, इस मिरर ने इमेज यहां बनाई, और प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है वो बराबर रखता है, तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 0.07 + x, और इमेज का डिस्टेंस कितना है, 0.11। अब चेक करो, 0.07 + x + 0.11 x आ गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको रियल डेप्थ कितनी गिवन है, 0.06, आपको एपरेंट डेप्थ कितनी गिवन है, 0.04। आप दोनों को डिवाइड कर लेना, रियल बाय एपरेंट डेप्थ से म्यू आ जाएगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस टाइप की प्रॉब्लम का? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करना है ये रहा 10th। एक सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है, ग्लास का बना हुआ है,
पर आपको वन क्वार्टर दिख रहा है, काट दो बस ये देख लो, तो ये सिलेंडर का क्वार्टर है, वन क्वार्टर ऑफ अ सिलेंडर है, तो साइड से ऐसे दिखा, ये ऑब्जेक्ट है। वो कहता है इस क्वेश्चन में कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक रे यहाँ पे जाती है, रिफ्रैक्शन होती है और फाइनली रे पैरेलल चली जाती है एज शोन इन द डायग्राम। मैं चाहता हूँ कि वो पैरेलल जाए, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, ये रेडियस आपको आर गिवन है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एम टाइम्स आर गिवन है। बस वो कह रहा है कि अगर ये रे पैरेलल है तो एम की वैल्यू बोलो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आप सिर्फ ये समझें, ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन में कहाँ कितनी रिफ्रैक्शन हो रही हैं, दो, एक प्लेन सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे और दूसरी कहाँ पर, कर्व्ड सरफेस पे, दो रिफ्रैक्शंस हैं। पहली रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, रेरर टू डेंसर, और दूसरी कहाँ हो रही है, डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, रूल समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। मैं दो रिफ्रैक्शंस करता हूँ, सबसे पहले प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए बोलो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, एम इंटू आर गिवन है, एम आर माइनस एम आर अदर, यू इज इक्वल टू माइनस एम आर। प्लेन सरफेस का आर कितना है, प्लेन का आर क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, जीरो मत लेना, इन्फिनिटी, प्लेन का सरफेस का आर इन्फिनिटी और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो लगाओ रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो तुम रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाओ, रेयर टू डेंसर में यू वन की जगह माइनस एम आर, आर वन की जगह इन्फिनिटी, वो तो रेडियस तो इन्फिनिटी है, म्यू 1.5 गिवन है और एयर का 1 गिवन है, तो तुम रेयर टू डेंसर में इसको इन्फिनिटी पुट करके जीरो कर लेना, तो आपके पास V की वैल्यू आ जाती है माइनस 1.5 एम आर, माइनस साइन का मतलब ऑन द सेम साइड। अब जो ये इमेज बनाएगा प्लेन ग्लास, वो इस कर्व्ड के लिए क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसने जो इमेज बनाई वो माइनस 1.5 एम आर पे बनाई, वी वन पे बनाई, तो इमेज इमेजिन करो यहां से कितने डिस्टेंस पे बन रही है, वी वन। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है यहां से, आर प्लस वी वन, ऑब्जेक्ट जो है वो आर प्लस वी वन हो गया, और इमेज कहां पर बन रही है, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये लाइन कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे, तो v इनफाइनाइट है और u यहां से r प्लस v1, ये देखो, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो u2 इज माइनस v1 प्लस r, v1 तो निकाल लिया हमने, v2 इनफिनिटी है, r इसमें नेगेटिव है, लेफ्ट की तरफ रेडियस है तो r इसमें नेगेटिव है, म्यू इसमें 1.5 है, तो डेंसर टू रेरर का फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देना, अपने आप m आ जाएगा आंसर। रूल एक ही है, पहला रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या रूल है इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं था, मतलब ऐसा ना हो कि आप वहां छोड़ ही दें क्वेश्चन, तो ये करना है, इसमें आपको आइडिया हो रहा है, ठीक।